दोस्तों, स्वागत आपका एक नए वीडियो में वापस से। आज का वीडियो है मेरी कार को लेके। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें क्या क्या करवाया है मॉडिफिकेशन, और ये भी 32,000 राउंड चल चुकी है। तो फिर इसके बाद आपको बताऊंगा यार ये KTM की खतरनाक बाइक की आवाज़ चली गई, KTM चली गई। तो मैं ये कह रहा था कि अभी आपको गाड़ी के अंदर दिखाऊंगा मैंने क्या क्या लगवाया है, क्या क्या नहीं लगवाया है, और इसकी कैसी कंडीशन है। अभी 32,000 किलोमीटर अब हो गया अब इसमें। तो आइए जल्दी से दिखाते। तो भाई अब फ्रंट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन इसकी दिखाते हैं। ये LED रियर एंड, इनकी कॉस्टिंग है 2500 रुपये के आसपास, और साथ में ये प्रोजेक्टर भी लगवाया था ITH के। इनकी कॉस्टिंग आई थी मुझे 4500 के आसपास, 4500, अब सस्ते हो गए। हेडलाइट अपन ने डलवाई थी नाइट आई की LED, इनको भी जला के दिखाऊंगा बाद में। बाकी ये ग्रिल चेंज नहीं कराई। और इसके बाद आते हैं साइड में, गाड़ी के साइड में भी कोई चेंज नहीं है। ये मैं खुद ही ये डोर वॉइसर लगवाए थे, इसके ऊपर ये मैंने खुद ने लगाया था। ये 300 रुपये के आ गए थे अमेजोन पे से, और डोर वॉइसर आए थे 600 रुपये के। क्रोम हैंडल इस वाले मॉडल में आते हैं ही जेटा में। बाकी ये साइड की जो बिटिंग थी ये कंपनी ने लगाई थी। उसके साथ साथ में इसकी वैसे ही कंडीशन बताता हूँ गाड़ी की, 32,000 चल चुकी है। टायर अभी भी सही है इसके पीछे के आगे के दोनों। और बैक पे अपन ने भाई इसमें लगवाया है ये कैमरा, अलग से लगवाया इस गाड़ी में नहीं आता। बाकी मैंने जो इस कैमरे की फिटिंग है इसमें करवा ली थी। इसके बाद ये रिफ्लेक्टर आता है, ये लगवाया है, ये लगे थे इसके रिफ्लेक्टर 600 रुपये के आसपास, और कैमरा तो 300 का कैमरा और 1500 की स्क्रीन। अब आते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर मैट लगवाए थे, ये पड़े थे 700 रुपये के। और अब और दोस्तों जो सारी के शीशे हैं इसमें भी रिले लगवाई थी, ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं जब अपन गाड़ी को लॉक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी अपन गाड़ी को लॉक करते हैं। क्या मतलब लॉक वाले से लॉक करते हैं एक बार के लिए। ये हो गए बंद, ये इसमें आते नहीं है, इसमें वैसे आते हैं मैनुअली, अपने आप नहीं खुलते। और लो मैंने गाड़ी को ओपन करता हूँ यहाँ से, तो ये अपने आप खुल गए सारी के शीशे। बाकी तो सिस्टम आते ही ये बंद करने का यहाँ से हो जाते हैं। और इसकी ये वो स्क्रीन, ये पड़ी थी 1500 के आसपास की, कैमरा अलग से था। इसके बाद मैंने ये माउंट लगाया यहाँ पे कैमरे के लिए, ये 350 का अमेजोन से मंगाया था एस सच। बाकी सीट कवर लगवाए थे 4500 के इसके अंदर गाड़ी के अंदर, अब भी वैसे के वैसे अशफाक भैया से लगवाए थे मैंने। और आइए ये बाहर से दिखाता आपको इसकी रिफ्लेक्टर लाइट और इसका प्रोजेक्टर फॉग लैंप का, IPH का। तो दोस्तों मैं तो इसके इंडिकेटर के साथ दे रखा है कनेक्शन और ब्रेक लाइट के साथ। अब आते हैं इसकी प्रोजेक्टर के ऊपर। प्रोजेक्टर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, आप चाहे तो लगवा सकते हैं IPH के प्रोजेक्टर जो आते हैं, बहुत तेज रोशनी है इनकी। ये DRL साइड में जल रही है, इंडिकेटर के साथ आगे का भी DRL का दे रखा है, इंडिकेटर के साथ जलती है मतलब। और अपन इंडिकेटर बंद करते हैं तो सिंपल हो जाती है वाइट कलर की। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है प्रोजेक्टर का, और ये नाइट आई का सबसे बेस्ट रहती है नाइट आई की LED। गाड़ी कंडीशन पे भी बढ़िया है, बस एवरेज कम देने लग गई। पहले 24 का देती थी, अब 19 का देती है एवरेज। इसके अलावा अपन ने लगवाई है टिंट यहाँ पे, ये पीछे टिंट लगी हुई है, बहुत लाइट लगाई है सिर्फ धूप से बचने के लिए, धूप की यूवी रेस ना आए। और भाई ने आगे भी हल्की से टिंट लगवाई है, ज़्यादा नहीं बिल्कुल लाइट लगवाई है, जैसे यूवी रेस का जो होता है कट हो जाए काफ़ी, और जो हार्मफुल रेस होते हैं आप सबको पता ही यूवी रेस का, तो जो सन में आती है। अब आते गाड़ी के अंदर, कि भाई ने कटिंग भी कराई है, हेयर कटिंग। तो अगर आपको अच्छा लगा तो यार थम्स अप करें, कटिंग के लिए कर दे भाई छोटे छोटे बाल, क्योंकि यार गर्मी बहुत है, इसे भाई ने कटिंग कराई है। और गाइस एक बात और, जैसे कि आप लोग HID लगवा लेते हो गाड़ी के अंदर,
तो उसमें थोड़ा सा ना ध्यान देने की जरूरत होती है, और ध्यान ये देने की जरूरत होती है कि जैसे आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसके बाद ही लाइट ऑन करें, है ना, और आप गाड़ी बंद करने से पहले लाइट ऑफ करें, क्योंकि क्या होता है आप एकदम से ऑफ करते हैं गाड़ी, जैसे बंद आपने जलाई तो जो उसका ब्लास्ट होता है, रिले होता है, उसे बहुत ज़्यादा आता है, पावर लगती है उसके अंदर, उससे आपका ब्लास्ट उड़ जाता है। तो आप ये ध्यान रखें गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही लाइट्स ऑन करें अपनी। अगर आपके फॉग लैंप में भी HID का किट डला है हेडलाइट के अंदर भी, तो दोनों को एक साथ ऑन ना करें, या तो आप हेडलाइट को ऑन करें पहले, जब उसकी पावर आ जाए उसके बाद आप फॉग लैंप का, आपकी गाड़ी में स्विच होता है अलग से, जैसे बैलिनो में तो आता है और डिजायर में भी आता है, कई गाड़ियों में आता है, तो आप उसको अलग अलग उसमें दे पर, या तो फॉग लैंप ऑन कर ले जिसमें HID लगी हुई है, या फिर हेडलाइट ऑन कर ले उसके, फॉग लैंप ऑन कर ले, बट जब बंद करें तो आप उससे पहले गाइस लाइटों को बंद करें, उससे आपकी लाइफ की, आपकी लाइट की लाइफ इंक्रीज होती है। और तो भाई गाड़ी का रिव्यू दे रहे थे, गाड़ी बेस्ट है, आप ले सकते हैं बैलिनो, अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं बैलिनो के, तो मैं तो और भी सेकंड मॉडल से भाई ने LED दे दी इन्होंने प्रोजेक्टर के साथ में, पहले तो भाई थर्ड मॉडल में भी नहीं आता था LED, जो व्हाइट लाइट होती आ गए, और मतलब तो काफ़ी अच्छी कर दिया, डिज़ाइन भी चेंज कर दिया, फॉग लैम्प का भी अलग ऊपर दे दिया, ग्रिल भी चेंज कर दी, बम्पर का भी डिज़ाइन चेंज कर दिया, तो मतलब अच्छी कर दिया। आप डेल्टा मॉडल ले सकते हो, उसका सेकंड मॉडल आता है, अगर आपको इन्फोटेक चाहिए तो आप थर्ड मॉडल ले सकते हैं, बाकी जो फिफ्थ मॉडल, जो फोर्थ मॉडल आता है उसमें जो ये शीशे होते हैं उसमें सिर्फ आपको मिलेंगे ग्रीन कलर के, पहले ये थर्ड मॉडल मिल जाते थे जेटा के अंदर, भी ये अल्फा में ही मिलेंगे जो ग्रीन कलर का आता है, इनसे UV रेस से बचाव होता है भाई लोग अपना। और इसके बाद गाइज गाड़ी ले सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट हो गाड़ी से रिलेटेड, इसका बैलिनो से कार से रिलेटेड, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जितनी भी हेल्प करेगी मैं आपके बाद आती है। इसकी सर्विस कॉस्ट, तो इस भाई इसकी सर्विस कॉस्ट कम नहीं है, ज़्यादा ही है, मैं जब भी इसकी सर्विस कराई तो मेरे 10,000 के आसपास लगे हैं बैलिनो की, तो आप ये मत सोचो कि भैया मारुति की गाड़ी है बैलिनो तो 5-1,000 में हो जाएगी, हाँ बाहर जरूर हो सकती है, लेकिन कंपनी वाला आपसे 10,000 ले गए ही तो भाई ले गए, उनका केक रहता है कि भैया हमको 10,000 लेने से, चाहे गाड़ी में कुछ हो या नहीं हो, बाकी वो 10,000 ले गई, और ऑयल भी ज़्यादा रुपये का डालता है बाहर, तो भाई इसकी हो जाए 3-4-1,000 में हो जाए सर्विस अगर बाहर कराओ तो। बट यार एक रहता है ना कि नई गाड़ी है तो कंपनी में जाए, शुरू की 1-2 सर्विस फ्री रहती है, उसके बाद थर्ड फोर्थ में पैसा रखते हैं, तो अभी इसकी जैसे कि अभी फोर्थ सर्विस होगी इसकी 40,000 पे, तो उसमें भी 10,000 लगेगी इसके। इसके बाद टायर बढ़िया है, टायर में कोई डाउट नहीं है, टायर खूब चल रहा है इसके, आई थिंक 50,000 तक तो चली जाएगी किलोमीटर तक, 32 हो रहा है तो 50 तक तो जाएगी मेरे हिसाब से। और इसकी कंपटीटर में i20 आती है, तो वो भी बेस्ट कार है, बस ये डिज़ाइन का फ़र्क है, बाकी गाड़ी वो भी अच्छी है। और कंपटीटर इसका तो कोई नहीं है, बैलिनो या i20। बाकी अगर आप रुको तो दिसंबर में आ रही उसकी गाड़ी किया की रियो करके, वो भी बहुत शानदार गाड़ी है, अगर आप दिसंबर तक रुक सकते हो तो, और आप उसको भी नेट पे चेकआउट भी कर सकते हो, गाड़ी बेस्ट है। या किया तो आप लोगों को पता ही है सेल्टोस की इतनी बिक्री हुई है, तो सोचो किया की जो रियो आएगी उसकी कितनी होगी, तो आप अगर दिसंबर तक रुक सकते हो तो वही बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वही बात है रुक सकते हो तो। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो करते हैं बंद, आता हूँ जल्दी नए ब्लॉग के साथ में दोस्तों, बाय, टेक केयर।